मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी, गोवा राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर पर्रिकर जी, भारत सरकार के रेल मंत्री श्रीमान सुरेश प्रभु जी, आयुष मंत्री और यहाँ के सांसद श्रीपाद नायक जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री विनय तेंदुलकर जी, प्रमोद सावंत जी, श्रीमान फ्रांसिस डिसोजा जी, श्री पांडुरंग मडईकर जी, श्री माइकल लोबे जी, श्री लक्ष्मीकांत परसीकर जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद नरेंद्र सवाईकर जी और आज के कार्यक्रम में आए हुए पूरे गोवा के प्यारे भाइयों और बहनों, आज कार्यक्रम है मनोहर पर्रिकर का अभिवादन करने का, मगर मनोहर जी के अभिवादन के साथ साथ मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से समग्र गोवा प्रदेश की जनता का भी हृदय से अभिवादन और धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि ये चुनाव में कई प्रकार की सच्ची झूठी हरकतों के बावजूद भी अंत में यहां पर सबसे ज्यादा वोट लेकर भारतीय जनता पार्टी एक लोकप्रिय पार्टी का बनकर उभरी और अंत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनी। मित्रों, देश में 5 राज्यों में चुनाव थे, एक पश्चिम में गोवा में था, एक उत्तर पूर्व में थे, पूर्व में मणिपुर में था, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी था और पंजाब में भी था। 5 में से 4 राज्यों के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम सब जगह पे देश की जनता ने किया और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 2/3 बहुमत की सरकारों की बातें होती थी। मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 3/4 बहुमती के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, जिस तरह से 2014 से 2017 तक मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चली है, सबका साथ सबका विकास और गरीब कल्याण पे के रास्ते पे चली हुई सरकार ने आज पूरे देश में, चाहे दक्षिण हो, चाहे पूर्व हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो, हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी को जन स्वीकृति देने का काम भारत की जनता ने किया है। एक गोवा एक छोटा सा राज्य है। मैं चुनाव में आया था तब कहा था कि खूबसूरत बिटिया होती है और उसके माथे पर एक बिंदी लगा देते हैं तो उसकी खूबसूरती पर 4 चांद लग जाते हैं। उसी तरह हिंदुस्तान के नक्शे पर एक गोवा एक खूबसूरत बिंदी जैसा है। ये राज्य की अपनी संस्कृति है, इस राज्य का अपना कल्चर है। कला और संस्कृति के मामले में गोवा के नागरिकों को पूरे देश में जाना जाता है। एक साझा संस्कृति भी यहां पर बनी है, पनपी है, बड़ी है और गोवा की संस्कृति के आधार पर गोवा ने देश के सांस्कृतिक नक्शे पर अपना एक अलग जगह बनाया है। हम चाहते हैं मित्रों कि छोटा सा गोवा राज्य सीमित संसाधनों के बावजूद भी, लिमिटेड इनकम के बावजूद भी देश का एक मॉडल स्टेट बने, देश का सबसे आधुनिक राज्य बने। ये गोवा ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है और भारतीय जनता पार्टी ने गोवा में स्थिरता देने का काम किया है। पहले 10 साल के अंदर कांग्रेस के शासन में 12 मुख्यमंत्री, 12 सरकारों में बदल और भारतीय जनता पार्टी के शासन में जब सिर्फ मनोहर जी गए रक्षा मंत्री बनकर, तब हमारे पर्रिकर जी आए, उसके अलावे कोई बदल नहीं हुआ,
स्थिरता के साथ शासन देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। और मैं आज फिर से एक बार गोवा की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके जनादेश के बाद जो साथी पक्ष हमारे साथ आए हैं उनके साथ मनोहर जी के नेतृत्व में एक स्थिर सरकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। और 5 साल तक अनइंटरप्ट कोई बाधा के बगैर गोवा का विकास आगे होने वाला है। गोवा में भारतीय जनता पार्टी ने एक स्थिर सरकार दी, एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी, एक विकास के रास्ते पर गोवा को आगे ले जाने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी ने दी। इसीलिए इस चुनाव के अंदर सबसे ज्यादा मत किसी को प्राप्त हुए तो भारतीय जनता पार्टी को। मैं दिग्विजय जी की बौखलाहट देख सकता हूं, कहते हैं ये हो गया, फला हो गया, ढीका हो गया, असंवैधानिक काम हो गया। मैं दिग्विजय जी को पूछना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता नितिन गडकरी के नेतृत्व में राज्यपाल को आवेदन पत्र देने गए, सरकार बनाने का दावा लेने गए, तब तक क्या आपकी पार्टी आपका नेता का भी चुनाव कर पाई थी क्या? नई चुनी हुई कांग्रेस पार्टी में नेता भी तय नहीं हो पाया था। और मित्रों, संविधान की परंपरा है, जब खंडित जनादेश होता है, पूर्ण बहुमत नहीं होता है, तो जिसको भी सरकार बनानी है के अपने समर्थन में एमएलए का सिग्नेचर कर अपने बहुमत का दावा राज्यपाल के सामने देना होता है। और भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले 21 विधायकों का दावा गवर्नर साहब के सामने रखने का काम किया था, मगर दिग्विजय जी को कौन समझा पाता है? दिग्विजय जी, जरा आपकी पार्टी के कारनामे देख लीजिए। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में कांग्रेस ने जितनी सरकारें गिराई है, जितने 356 का दुरुपयोग किया है, इतना देश में किसी ने नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने संवैधानिक तरीके से अपनी बहुमत राज्यपाल के सामने देकर सरकार बनाने का काम किया है। मित्रों, मनोहर जी आज रक्षा मंत्री का एक बहुत बड़ा पद छोड़कर गोवा के अंदर गोवा के मुख्यमंत्री बनने के लिए आए, मगर रक्षा मंत्री के नाते जितना भी समय मनोहर जी ने काम किया, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, एक लंबे समय तक मनोहर जी को देश सफल रक्षा मंत्री कर याद करेगा। उनके ही कालखंड के अंदर वन रैंक वन पेंशन का मसला, जो 45 साल से कांग्रेस सरकार है जिसका हल नहीं निकाल पाती थी, 1 साल के अंदर मनोहर जी ने उसका हल मोदी जी के नेतृत्व में निकाला और सेना के जवानों को वन रैंक वन पेंशन का मामला सॉल्व कर दिया। 8,000 करोड़ रुपया निवृत्त सेना के सभी अधिकारियों के सैनिकों के घर पे बाय पोस्ट भेजने का काम मनोहर जी के नेतृत्व में हुआ है। सेना का आधुनिकरण और मेक इन इंडिया की नींव डालने का काम भी मनोहर जी के नेतृत्व में हुआ है। और उसके साथ भारत को एक मजबूत ताकत के रूप में देश में प्रस्तापित करने वाली सर्जिकल स्ट्राइक भी मनोहर पर्रिकर के समय में ही हुई है। मोदी जी और पर्रिकर की जोड़ी ने दुनिया को दिखा दिया है कि हम पड़ोसी से शांति तो चाहते हैं, मगर हम हमारी सेना का अपमान सहन नहीं करेंगे, हमारी सीमाओं का उल्लंघन सहन नहीं करेंगे, अंदर घुसकर आतंकवादियों को जवाब देकर ठोककर सफलतापूर्वक सेना के जवान वापस आ गए। मित्रों, आज मनोहर जी ने पार्टी के कहने पर देश के रक्षा मंत्री का पद छोड़ा है और छोड़कर गोवा के मुख्यमंत्री के नाते यहां पर आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, मोदी जी की जो कल्पना है गोवा को एक मॉडल स्टेट बनाने की, ये पर्रिकर जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से पूरी होगी। मैं कोई लंबी बात करना नहीं चाहता। जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में देश के हर कोने में विकास पहुंचा है, एक सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशक विकास का मॉडल नरेंद्र मोदी जी ने
देश के सामने रखा है, मुझे भरोसा है वहां दिल्ली में मोदी जी और यहां मनोहर पर्रिकर जी दोनों मिलकर एक गोवा को बहुत स्पीड से आगे ले जाएंगे। मित्रों, नितिन जी ने डिटेल बात हो, नेशनल हाईवे की बात हो, बड़ा ब्रिज बनाने की बात हो, पोर्ट ट्रस्ट को पर फिशिंग जेटी बनाने की बात हो, सीपीआर को काम देने की बात हो, सीपीआर के माध्यम से रोजगारी देने की बात हो, बंद पड़ी हुई खदानें फिर से शुरू करने की बात हो, मेडिकल कॉलेज नया बनाने की बात हो, हर जगह पे 5 साल में मनोहर जी और पर्रिकर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गोवा की सेवा की। आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैं पूरे गोवा की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने जो जनादेश दिया है वो जनादेश के हिसाब से हमारे साथी पक्षों को साथ में लेकर सामंजस्य बनाकर 5 साल में गोवा को मॉडल स्टेट बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की मनोहर पर्रिकर सरकार करेगी। मित्रों, नरेंद्र भाई ने जो न्यू इंडिया का कंसेप्ट देश के युवाओं के सामने रखा है, देश के मध्यम वर्ग के युवाओं के कंधों पर एक नया भारत बनाने का उन्होंने एक स्वप्न देखा है, इस स्वप्न को साकार करने के लिए गोवा सरकार भी आने वाले दिनों में मोदी जी से कदम मिलाकर आगे बढ़ेगी। मैं आज फिर से एक बार समग्र गोवा की जनता को बहुत बहुत पार्टी की ओर से, मेरी ओर से और देश के प्रधानमंत्री जी की ओर से हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और भाई मनोहर पर्रिकर को हृदय से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ईश्वर आपको शक्ति दे और आपके नेतृत्व में एक गोवा तीन दुनी राज चौगुनी प्रगति करे और देश का मॉडल स्टेट बने। इतनी ही बात कर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ आप सभी लोग दोनों हाथ उठाकर बुलंद आवाज से बोलिए